हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे से होंगे। और अभी चाय पी के चेंज करके निकले हैं हम लोग बाहर के लिए। एक्चुअली अनवित के लिए थोड़ा स्टेशनरी लेनी है, और मुझे आज ना, मतलब आज क्या, मुझे लास्ट वीक से ही ना थाई करी खाने का मन है, और बहुत ज़्यादा मुझे मन कर रहा है थाई करी खाने का ना, तो वो मैं बनाने वाली हूँ। सौरभ बोल रहे थे कि मैं मार्केट से ऑर्डर कर देता हूँ, लेकिन नहीं, क्योंकि कल ही हम लोगों ने ना पिज़्ज़ा खाया है, इसीलिए मुझे मार्केट बोट नहीं चाहिए। और मैं जा रही हूँ सामान देखने के लिए। सौरभ बोल रहे थे कि मैं ले आऊँगा, लेकिन ना बहुत सारी चीज़ें ऐसे रह जाती हैं। हस्बैंड्स लोगों का यही होता है ना कि अगर कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो समझ में नहीं आ रही, फिर फ़ोन पर बताओ, फिर पिक्चर भेजें। तो मैंने कहा कि चलो मैं चलती हूँ, और अगर सब चीज़ें मिल गई तो बनाऊंगी थाई करी, क्योंकि काफ़ी मुझे क्रेविंग हो रही है। नहीं तो फिर कुछ और ऑप्शन देखना पड़ेगा, वहीं के वहीं सोचना पड़ेगा। तो चलिए फिर मैं देखती हूँ कि क्या क्या मिलता है और आपको बताती हूँ। अभी हम लोगों की शॉपिंग डन हो गई है, और हम लोग ना शॉपिंग करने के बाद मैंने सौरभ को बोला कि मुझे ये पिंपल सौदागर वाली जो मार्केट है ना, लोकल वाली, वो एक्सप्लोर करनी है। तो फटाफट मैंने वो एक्सप्लोर करी। आफ्टर लॉकडाउन हम लोग फर्स्ट टाइम वो एक्सप्लोर करने के लिए गए थे, और वो एक्सप्लोर किया वहाँ पे, मतलब कुछ चीज़ें देखी मैंने। मैंने जो लिया था ना एग्जीबिशन से, जो साज लिया था, कोल्हापुरी साज, वो इतना ज़्यादा ट्रेंड में है, हर शॉप पे वही वही मिल रहा था, और मुझे मतलब बहुत ही अच्छा लगा। तो अभी मैंने कुछ चीज़ें ली हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी घर जाके। और यहाँ पे ना अभी हम लोग आए हैं वेफल्स खाने के लिए। तो कोंकण चौक पे ये वाली शॉप है, तो फर्स्ट टाइम ही आए हैं, लेकिन क्रेव कर गया ऐसे बेल्जियन वेफल्स देख के ना कि खाते हैं। तो बताती हूँ कि अगर ये अच्छा है ना तो आप लोग ज़रूर मतलब ये ट्राई करिएगा। बाकी मार्केट जो पिंपल सौदागर वाली मार्केट है ना, वो अच्छी है, लेकिन मुझे ना उसके रेट कहीं ना कहीं मतलब ज़्यादा लगे, क्योंकि जो रेनबो प्लाज़ा के बाहर जो लोग बैठते हैं ना, उनके पास भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो रेनबो प्लाज़ा के बाहर बैठते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें अंदर भी हैं सेम टू सेम, जिसमें रेट में डिफरेंस है। तो ये है कि हाँ, अंदर मार्केट बड़ा है और मतलब वहाँ पे चीज़ें भी ज़्यादा हैं, लेकिन अगर आपको कोई चीज़ वहाँ पे पसंद आती है तो एक बार आप बाहर वाली मार्केट में जरूर चेक करिएगा, क्योंकि बाहर वाली मार्केट में ना, अगर अंदर 200 का है तो बाहर वाली मार्केट में 120 या 150 का ऐसा सामान है। फिर कोंकणी चौक पे भी ना थोड़ा सा चीप है, तो वहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं। तो कोंकणी वाले जो मार्केट है ना, वो मैं एक्सप्लोर करूँगी नेक्स्ट वीक, तो वो आपको दिखाऊँगी। लेकिन ये है कि अच्छा मार्केट है। जैसे पहले तो क्या होता था ना, हम सिर्फ एफसी रोड और तुलसी बाग ये ही जाते थे, लेकिन अब हमारे एरिया में भी ना ये 2-3 मार्केट लग गए हैं ना, तो गर्ल्स वाली जो शॉपिंग है ना, वो यहाँ पे हो जाती है। तो चलिए अभी हम लोग इन्जॉय करेंगे अपना बेल्जियन वेफल्स, और फिर मैं बताती हूँ और मैंने क्या लिया है वो मैं आपको दिखाती हूँ घर जाके। ये देखो सौरभ तो आजकल कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो गए हैं। ये देखो ये देखो, मतलब बीवी को रोज दिया वो भी ये बोल के कि महंगा हो गया है। ये देखो तुम, लेकिन थैंक यू सो मच। क्या क्या तो वैलेंटाइन को भी 1 वीक पड़ा है, और अभी से महंगा कर दिया। हो गया कितना? 130 का।
बुरा नहीं होता। कैसा है? खाया नहीं मैंने। हाँ? खाया नहीं। अच्छा है। हम लोगों ने ना ट्रायल के लिए छोटे वाला वेफल बनवाया था और वो हम लोगों को अच्छा लगा, तो अभी हम लोगों ने आइसक्रीम टॉपिंग वाला बनवाया है और एक पार्सल घर के लिए लिया है पापा मम्मी के लिए, वो लोग भी इंजॉय कर लेंगे। तो हम लोग तीन है ना, तो छोटे वाला था और वो पूरा का पूरा सौरभ ही खा गए है ना, वो पूरा का पूरा सौरभ ही खा गए जो पहले, और नहीं तो क्या। तो इसीलिए अब मैंने अपने और गुड्डू के लिए बनवाया है। ये देखो घर ना अकेले मुझे जाना पड़ रहा है रात को, और क्या हुआ एक्चुअली हम लोग जैसे बेल्जियन वेफल्स लेके मतलब खा के और लेके निकले ना, एकदम से पापा जी का फ़ोन आ गया कि तुम लोग कहाँ पे हो और घर लॉक हो गया है। हमारा जो घर है ना वो ऐसे ऑटो लॉक हो जाता है और ओपन ही नहीं होता है, वैसे वो हमेशा अपने साथ कीज़ लेके आते हैं, लेकिन उनको लगा शायद हमारे पास भी होगी, पर आज हमारे पास भी नहीं थी, वैसे हमारे पास भी रहती है, और घर लॉक हो गया। हम लोग वैसे तो इसी एरिया में ही थे, फिर की मेकर को ढूंढना था, मैंने सौरभ को बोला कि सेफर साइड होके मैं एक काम करती हूँ कि मैं खाना पैक करा लेती हूँ, क्योंकि घर जाके बनाएंगे और वो कब आएगा की मेकर, फिर खाने वाने का ऐसे ही हो जाएगा ना, तो ये पैक करा के मैं घर जा रही हूँ। सौरभ की मेकर को लेके घर जा रहे हैं, यहीं से ये की मेकर का नंबर मिला है, और तो वो ढूंढ के तो जाएंगे, तब तक थोड़ा नीचे बैठना पड़ेगा शायद, ये हो जाता है देखिए, और ऐसे मुकालता हो जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी घर जाके पूछूंगी कि पापा जी आज फ़ोन कैसे ले गए, क्योंकि वो तो फ़ोन भी बेचारे नीचे ही रख के मतलब रूम घर पे रख के जाते हैं, कि ऐसे किसी का फ़ोन वोन आता भी नहीं है, लेकिन आज बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा है ना अजीब सा, और मैं भी इस समय अकेले एकदम से जा रही हूँ तो बहुत अजीब सा लग रहा है, क्योंकि मैं कभी ऐसे गई नहीं अकेले रात में ऐसे पैदल चल के, तो वैसे तो घर के पास ही हूँ मैं, ज़्यादा दूर नहीं हूँ, लेकिन मैंने सौरभ को वही बोला कि देर हो जाएगी और तुम जाओ फटाफट और मैं ये पैक करा के ना आती हूँ। यहीं पे एक रेस्टोरेंट था छोटा सा, तो उससे मैंने पैक करा लिया है। चलिए घर जाती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ मैं। रात को कोई दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा लग रहा है कि लॉक शायद ओपन हो गया है। ओपन हो गया? हाँ। कब आया? बस अभी दो मिनट पहले आया। हाँ? दो मिनट पहले खोलती चला गया। दो मिनट में खोल के चला गया? हाँ। कितने रुपए झाड़ गया? 350 रुपए। 350 ले गया? अच्छी बोनी है। हाँ तो ऐसे लेते हैं, 400-500 तो कम से लेते हैं। और आप ये देखो पापा जी हमारे हाथ फोन कैसे लेके आए थे आप? अरे रुक जाते हैं, लगे होते हैं जब। तो ये देखो कितना अच्छा हो गया, हम लोग यहीं पे थे पास में ही, नहीं तो दूर होते तो परेशानी जाती है आपको, फिर बहुत ज्यादा घबराहट के मारे थे, क्या कर रहे थे, देखो क्या बात है। नहीं घबराहट होने की तो है ही ना, अगर हम लोग दूर होते खैर है कि चलो बात हो गई। दिवाली का शरीर अब होगा हमारे यहाँ पे फैमिली डिस्कशन, मम्मी की घबराहट पे डिस्कशन। आपके लिए खाना ले आई हूँ, चलो कोई नहीं, जो हुआ सो हुआ। बेल्जियन वेफल एंजॉय करो, लेके आई हूँ आपके लिए, और गरम गरम खाना, रोटी बनाने का प्रोग्राम करना पड़ेगा। मैंने कहा क्या रोटी तो वही ना, रोटी बनाने का मुझे इतनी टेंशन हो गई रास्ते में चले चले, इस समय मैं अकेले आती नहीं ना, चलो मैं थोड़ा फ्रेश हूँ। Thank you.
सो फाइनली डिनर हो गया है और ऐसे मम्मी और मैंने मिलजुल के फटाफट रोटी पराठे बना लिए और वाइज डिसीजन ये रहा कि मैंने सब्जी पैक करा ली क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था ना और घर आके बनाते पता नहीं ओपन होता कि नहीं होता। वो तो ये था कि मतलब पास में ही की मेकर मिल गया सौरभ को और जल्दी से मतलब हो गया। और अनवित वेट करो, क्या कर रहे हो अनवित तुम? तो जल्दी से काम हो गया हमारा, ये था क्योंकि जब तक मैं घर पे आई पैक वैक करा के तो हो चुका था। और क्योंकि इस बीच में ना सौरभ का वही होगा कि लोग वगैरह करा रहे होंगे तो मेरे से कॉन्टेक्ट नहीं हो पाया, लेकिन मुझे डर लग रहा था ऐसे ऐसे ना ऐसे अंधेरे में, मतलब अंधेरे में क्या मतलब अकेले रात में घर आते हुए कभी भी मैं आती नहीं हूँ ना इसीलिए। और ये है कि दो तीन चीज़ें सीखने वाली थी कि मुझे मेरे लिए मैं कभी की साथ में नहीं रखती हूँ और मुझे तो घर का लोग भी खोलना नहीं आता, तो मेरे लिए तो ये है कि मुझे हमेशा की साथ रखनी चाहिए जब मैं घर से बाहर जाऊं। और दूसरा ये कि फ़ोन भी हमेशा साथ में होना चाहिए, जैसे पापा जी यहाँ पे भूल जाते हैं लेकिन मम्मी साथ में रहती है ना तो फिर वो सब याद रखती रखती हैं, तो अगर उनके पास फ़ोन नहीं होता तो और भी परेशानी हो सकती थी और अगर हम कहीं दूर जाते तो और परेशानी हो सकती थी। लेकिन ये कि सब कुछ अच्छा था कि घर के पास में हम लोग थे, कि मेकर भी घर के पास ही मिल गया और सब काम हो गया फाइनली और डिनर वगैरह सब कुछ हो गया। अभी थोड़ा लेट भी हो गया और आज ना मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मतलब शायद वही पीरियड्स आने वाले हैं और क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा मेरी लेग्स पेन कर रही हैं और अभी मन कर रहा है कि बस मैं सो जाऊं। वीडियो अपलोड करनी है क्योंकि वीडियो अपलोड करूँगी ना क्योंकि दो दिन से किया नहीं है और फिर कमेंट आने शुरू हो जाते, दीदी आपका व्लॉग नहीं आया और अभी वो पोस्ट करने में मुझे टाइम लग जाएगा। सोचा तो ये था कि रेड थाई करी इंजॉय करेंगे, मतलब मार्केट से हम लोग कहाँ पहुँच गए लोकल मार्केट, और सोचा कि चलो लोकल मार्केट भी एक्सप्लोर कर लेते हैं और अच्छा था, मैंने शॉपिंग भी किया है आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी अपकमिंग ब्लॉग में। आज तो हिम्मत नहीं है, छोटा छोटा ही चीज़ें लिया है बट बहुत सुंदर है, लेडीज़ शॉपिंग है और हम लेडीज़ को क्या चाहिए, यही चाहिए ना। और आते वक्त वेफल्स दिख गए तो वो हम खाने बैठ गए लेकिन ये नहीं पता था कि उसके बाद अभी क्या होने वाला है, लेकिन ये है कि जो था चलो जो भी हुआ ठीक था। और चलिए फिर मैं मिलूंगी आप लोगों से और तब तक आप रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल और इंस्टाग्राम पे अगर आप मुझे फॉलो नहीं करते तो फॉलो करिएगा। तो चलिए जल्दी मिलेंगे एक न्यू व्लॉग के साथ आपके अपने नेहा के साथ, तब तक आप रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।